यो हिंदुस्तान डी ग्रेड संगीत पार्टी जलालपुर देशवा टकाए जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू कहर से। हमारा नाम जमींदार ठाकुर रजकर सिंह है। हम कटरा रियासत के जमींदार हैं। लोग हमारी इज्जत करते हैं और हमारी रियासत के अंदर कोई भी इंसान हमारे सामने सर उठाकर बात नहीं करता है। हमारा नाम है ठाकुर अजगर सिंह। हम वो अजगर ठाकुरान है, हम वो अजगर ठाकुरान है जो डसते नहीं सीधा निकल। कहने का मतलब अरे गुजरता हूँ गुजरते गुजरता हूँ गुजरते उधर संस्थान होता है हमारे सामने खिले की तरह इंसान होता है। नाम हफ्ते में आता है, नाम हफ्ते में आता है मगर लेता नहीं कोई। जो मेरा नाम लेता है उसी की जिंदगी बर्बाद। अबे बड़ीघाट बड़ीघाट ये साले क्या बदतमीजी है रे। अरे सरकार हम तुम्हारे मोहरन पर खड़े रहन है। हमरे मोहरे पर वह गेट पर जो तुम आवाज लगा तब गए ठौरे को बोले और जले हम आई तुम आवाज दे बोले पर हम बोलने को मना नहीं करते हैं लेकिन तुम ये साले भाषा का जो उपयोग करते हो ये सब देहाती भाषा। कितनी बार हमने कहा है जब हम आवाज दिया करें तो बोला करो जी सरकार जी सारे काम। सरकार अजगर सिंह को सिर्फ दो ही चीजें दिखाई पड़ती है। वो दो चीजें कौन सी दिखाई पड़ती है? पहली बात तो दौलत और दूसरी बात औरत। औरत के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और दौलत के लिए एक दूसरे की जान। लेकिन बड़ीघाट बरसों से दसियों साल से तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है लेकिन तू नहीं जानता है कि हमारा असली रूप क्या है। जानते हैं ना असली रूप तुम्हारी है दिन का आदमी रात के मेहरुआ आराम चाहते नहीं समझा। कहने का मतलब हमारा असली काम क्या है हम केवल जमींदार ही नहीं हम कुछ और भी हैं। हाँ और क्या हो? अगर मेरा असली रूप जानना चाहता है तो सुन मेरी बात। मैं केवल जमींदार ही नहीं मेरा असली रूप क्या है आज मैं तुझे बताऊंगा। क्योंकि शराबी जब कोई शराब पीता है तो सच्चाई उसकी जुबान पर आ ही जाती है। वड़गाट नाम सुना होगा मिश्रिक और सीतापुर के बीच में एक बहुत बड़ा घमासान जंगल है। बहुत घमासान जंगल है उसी जंगल के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है जिसको लोग जौनिया पुल के नाम से जानते हैं। पूरे सीतापुर जिले में वो जौनिया पुल मशहूर है। उसी जंगल के आसपास उसी पुल के आसपास एक बहुत बड़ा डाकुओं का किलो रहता है। लेकिन आज तक सीतापुर जिले की पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि उस गिरोह का सरदार कौन है। अगर नहीं जानते हो पुलिस पता नहीं लगा पाई है तो आज मैं तुझे बता दे रहा हूँ उस गिरोह का सरदार कोई और नहीं उस गिरोह का सरदार कोई और नहीं यही ठाकुर अजगर सिंह। मेरा इनाम है डाकू अजगर सिंह क्योंकि हम केवल जमींदार ही नहीं हम हैं डकैत जमींदार। और सुन ले हमारा गिरोह आज भी वहां पर मौजूद है। वहां पर हमारा गिरोह आज भी मौजूद है और हमारे गिरोह का सरदार इस टाइम हम अपने दोस्त कहर सिंह को बना रखे हैं। अच्छा नहर नहर नहीं सरदार एक लाख साले मर जाओगे तो हमारा असली पैसा कहने का मतलब डकैती डालना है। हम हैं डकैत जमींदार का मतलब असली झाटू तुम्हें हो असली झाटू क्या कहते उसको डाकू सरदार। हाँ डाकू के सरदार। अब यार ये साला हमका लगा तुम अब जान जाएगा जान गई भाई कि आप छुट्टी ले ली नहीं निकल ली उनको जैसा टपकाई दी हरामी बहुत हो मालिक बात यह क्या सोच रहा है कुछ नहीं बात मालिक यह है हमका छुट्टी दे दियो छुट्टी अब हमारे घर से फोन हुआ वाला है। अभी साले इतनी देर से हमारे साथ में तब छुट्टी नहीं मांग रहे थे हमने अपना पूरा परिचय बताया तुम साले छुट्टी मांगने मांग लगे बात का 15 मिनट पहले फोन हुआ वाला है पतले तुमने बातलम लाग गए लाग गए बात भूल तो बात मालिक क्या काम है अर्जेंटली क्या काम है
मालिक का घर से फोन हुआ है, हाँ। जल्दी चले आओ, आज का हमरे घर में पोती करे पतवा पैदा भाई, तुम्हारी पतवा करे तुम्हारी बुआ पैदा भाई, बहुत यानी बहाने बना रहे साले, और बहाने बनाना भी नहीं आता है। तुझे छुट्टी चाहिए, अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो ठाकुर आजकल से छुट्टी देता नहीं, छुट्टी कर देता है। सर मेरी बात, छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी, और सुन ले मैं तुझे बुलाया किस लिए हूँ, बुलाने का खास मकसद यह है, हमारे ही गांव में और हमारे ही पड़ोस में हमने दसियों करोड़ का सोना देखा है, दसियों करोड़ का सोना जब से देखा है हमारी नियत बस उसी सोने पर लगी हुई है, वो सोना हमें 24 घंटे के अंदर लूटना है, इसके लिए चाहे पूरे गांव के अंदर लाखों के तुम ऐसा करो, बहुत जल्दी हमारे दोस्त डाकू कहर सिंह के पास फोन करो और ये कह दो हवेली पर बहुत जल्दी आ जाओ, तुमको तुम्हारे सरदार जी याद कर रहे हैं, बहुत जल्दी फोन करो। साला छुट्टी तो किसी नहीं है, अब कहा जब उन्होंने छुट्टी मांगे वो दिन तुमको छुट्टी नहीं कह दिया, भाई साला बहुत हैरानी किया, भगवान कैसे कैसे छुट्टी मिल जाते, मौत ना हो तो बाकी छुट्टी मिल जाते, सरकार सरकार यू तो साला निरोध कह रहा है, अनुरोध कह रहा है, अनुरोध कह रहा है, 99 35 76 77 53 13 00 00। उठाइए ना, हेलो नमस्ते अम्मा नमस्ते, बड़को पानी लगी हो ठीक हो, कहा घर चले, अरे घर से आए नहीं पी भाई, आए कहा नहीं पी भाई, सही ठाकुर साथम बराबर काम चल रहा है, अब तुम बेकार में सब लाली टुकड़ी लगा के बैठो, सब बेकार है तो जाते हैं, हम जो दिन फोन करी बा उस दिन बढ़िया लाली टुकड़ी लगा के बैठो, हम आई जी बा अभी सही तो कहो, सही सही तो बिल्कुल नहीं पी बा, क्योंकि इसे ठाकुर साथम बराबर काम जारी है, जारी घर का फोन लगाने को है नहीं कहे तो नहीं रहा, कुछ नाम है वहे वही वहे वही। अच्छा अच्छा उसका मतलब अपने पिताजी से बात कर रहा था, तो क्या अपनी माँ से बात कर रहा था, इसके अलावा साले कुछ और बोलोगे, इसका मतलब तो साले अपनी औरतिया से बात कर रहा था, औरतिया से साले बात कर रहा हूँ, तो ये साले पूरी कमर कहाँ लचक रही है, ये साले कमर कहाँ हिला रहे हो, साले बहरे हो क्या, जाऊँ अबे साले पौने आठ हो क्या, का पता अबे साले चवन्नी कम हो क्या, को जाना है इसका पता, साले तू छक्का है, हम कह रहे बहुत जल्दी कहर सिंह के पास फोन लगाओ, अगर गलत नंबर लग गया तो 100 जूते कम नहीं मारूंगा, नाराज साला बदतमीज कमीना कुत्ता गधा साला उल्लू का पट्टा ही दिया गया, लगा फोन, अब किस बार अगर गलत नंबर लगा तो इतने जूते मारूंगा जो होने वाली औलादे तक साले गंजी पैदा होंगी, नाराज साला बदतमीज कमीना कुत्ता गधा उल्लू का पट्टा साला ही दिया गया, तो भोसड़ी गरियाई दिए से अंग्रेजी में गरियाओ तो हिनाई जानी पाई थे, हिंदी में गरियाओ हो दिन बुआ बहनी आ कौन रखी, हरामी हम कम नहीं आखिरी मजबूर हो साला, जब मार दे तो मारी पिराई लागे थे, इतना साला हरामी है जब आंखी लौटत है तो मालूम दे मुतासा भंसा, या भगवान सही नंबर लाग जाते हो, बहुत मरकट ठाकुर है, 99 88 ठाकुर साहब तुम निहुरो हम ठासी, ये कौन सा नंबर है, 99 88 ठाकुर साहब तुम निहुरो हम ठासी, ये
मालिक देखो बात यह है, देखो पांच दिन की छुट्टी लेकर ये रहना, आज छठा दिन है, सारी सराज फोन करी ना है तो हुआ के नहीं चले, और आज जब चले तो चाय नाश्ता करें नहीं, खाना खाए नहीं, और यहाँ जब आए तो लाग रहा भूख, तो हम सोचे लगे जो डायरेक्ट खाना मंगी बात रात मारी भगाई दे, तो हम कल फोन के हिसाब से बताई दी समझ जाओ, तब आए कहते रहा 99-88 ठाकुर साहब हम हन भूखे हम खवाओ वासी। अच्छा ये बात कर रहे थे 99-88 ठाकुर साहब हम भूखे हमको खिलाओ बासी। अरे यार वाकई में कभी कभी समझने में भी गलती हो जाती है। नाई भोसड़ की जानी पाई क्या बता रहे हो, खाना खा लिया काम होगी काम होगी, बात तो सही कर रहा है, कोई बात सुनना चाहिए, सुनने के बाद उसको समझना बहुत जरूरी होता है। क्या कह रहा है, कहीं खाना खा लिया काम चाहिए, नहीं ये साले तू अलग से क्या बोल जाता है, अलग वाली बात, हम आज आज तक हमारी बुआ नहीं जान पाई, तुम कहा जानी पाई हो, हम कह रहे हैं बहुत जल्दी कहर सिंह के पास फोन लगाओ और एक बात हमारी कान खोल करके सुन ले। अरे ये साले क्या कर रहा है, कहते हो कान खोल के सुनो, हम कह रहे हैं कान खोल कर सुनो, तुम साले पैजामा खोल रहे हो, कितने हरामी हो साले, बात बात पर साले पैजामा खोल रहे हो, ये सब लोग तुमको क्या समझेंगे, अंडू नहीं साले गांडू समझेंगे, गांडू नहीं गड़ी है वो बात एक ही है, आइंदा कभी यहाँ पैजामा मत खोलना, यहाँ हलीम नगर इलाके में बिर्रा और ये जबरपुरवा समतेरीपुरवा और ये बजरंगढ़ यहाँ पर पैजामा मत खोलना, वरना यहाँ पर एक से एक शौकीन टहल रहे हैं। जतने जने ही आए हैं, आज कोई जो 50 आदमी शौकीन हुए हैं और 100 आदमी तो हमारे लिए नाश्ता ही है। हाँ ओफो, तो साला शराब को शरबत समझ करके पी गया है, इतना हराम इंसान है तारे, हम कह रहे हैं बहुत जल्दी खर्च के पास फोन लगाओ, अगर गलत नंबर लगा तो ये हंटर देख रहे हैं, अब इधर से नहीं इधर से मारूंगा, जल्दी फोन क्योंकि जब तुम्हारी कमर चलती है तब हमारा दिल कुछ और कहता है, समझ गया हो, एक बात सुन ले, हम पूरी भी खाते हैं पराठा के भी बहुत शौकीन है, अगर तुम्हारी कमर चली तो हमारे ऊपर 24 मुकदमा चल रहे हैं, एक मुकदमा और सही, समझ गए, कमर नहीं हिलनी चाहिए तुम्हारे, लगा टेलीफोन, एक ही तो सारे की नियत खून तक पहुंच गए हैं, एक ही बहिनी के बोल ठकरवा के रेशा ले चले, ये साला जो कमर चली कोई दिन मार डाली सा, अब कमर नहीं हली, अब कहा बताइए, अब जब तो बहुत अवरोध उत्पन्न हो ही गवा है, या भगवान सही नंबर ला के जाते हो, बहुत मर कर साला है ठकरवा। 1-4-3 ठाकुर साहब तुम्हारी गांडी फ्री ही, तुम्हारे इलाके में नाम दबदबा करते है, अब गांव वाले के नंबर बांटते पड़े यार, हम कहीं कोई जरूरत पड़े जैसे कोई बीमार हो जाए या हॉस्पिटल जाए कहीं जाए कहीं थाने के जाए कहे फोन लगाओ, तब आ कहते 1-4-3 और ठाकुर साहब की गाड़ी फ्री, अब निकल गाड़ी फ्री, बहुत हरामी हो साले, भगवान सही नंबर लाग जाती हूँ। 99-35 दिखाई दो छुआ लो हटा लो टुन्नू टुन्नू, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय कब्रिस्तान क्षेत्र के बाहर है, अब साला हुआ कब्रिस्तान में पहला पड़ा है, दूसरा लगाना पड़ेगा 73-88-26-11-84। हेलो, हाँ भैया आप नहर बोल रहे हैं, हाँ कहर सिंह, नमस्कार नमस्कार है, ऐसा है जल्दी से वो कटरा है, कटरा जो है कटरा गांव में चले आओ, आपके जो सरदार जी है वो क्या कहते हैं उसको, हाँ अजगर सांप, अजगर सांप, अरे हाँ अजगर सिंह हम कहे अजगर सांप सैनिक खान का साला है, हाँ अजगर सिंह तुमको याद कर रहे हैं, बहुत जल्दी चले आओ, हाँ
आज भाई नहीं पियो माले नहीं आज भाई पे काज आज मौका नहीं काज मौका नहीं। हेलो हेलो हाँ जय भवानी जय भवानी जय भवानी। ओ क्या बात है कार्जी। हाँ हम बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा यानी कहीं दूसरी जगह प्लानिंग किए हुए जा रहे हो। पूरा गिरोह सब तैयार है। अच्छा कहाँ जा रहे हो। ओ कितना माल है वहां पर। 10 लाख का। अरे चौकूब 10 लाख के लिए इतनी दूर जा रहा है। अरे हम अपने यहाँ बुला रहे हैं। हमारी नगर यहाँ 10 करोड़ का सोना है। उस पर पढ़िए वो 10 करोड़ का सोना हमें 24 घंटे के अंदर हासिल करना है। वो प्लानिंग कैंसिल करो और बहुत जल्दी हवेली में पहुंचो। ओके जय भवानी जय भवानी जय भरगुलानी। वो आ रहा है 1 घंटे में आ जाएगा। 1 घंटे में आ जाएगा। सारा इंतजाम होना चाहिए। गोला बंदूक असल है और वो जो बारूद वगैरह है सब इकट्ठा कर लो। कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है माले। हाँ वो सोना हमें हर हाल में हासिल करना है। वो सोना हासिल करने के लिए चाहे हमको अपनी जान देनी पड़े और चाहे एक दूसरे की जान लेनी पड़े। अरे हमारा नाम है ठाकुर अजगर सिंह। हम वो अजगर ठाकुरान है जो डसते नहीं सीधा निकल जाते। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा नाम कैलाश वर्मा है। हम यही कानपुर के रहने वाले हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये पुलिस की नौकरी जान का बवाल होती है। न खाने की फुर्सत, न बैठने की फुर्सत और न लेटने की फुर्सत। जिधर देखो कहीं नाली का झगड़ा, कहीं मेड़ का झगड़ा। हम दोस्तों बहुत भौफड़ परेशान रहते हैं। ये पुलिस के लिए कोई अच्छी नहीं होती। हवलदार शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से आ रहे हो। हल्के से आ रहा हूँ। इतनी देरी से आओगे। अरे देर का सराज मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी। चुप रहो। जब देखो तब यही फोटो। कहीं गाड़ी खराब हो गई, कहीं चाय पीने लगी। सब क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। जी न संजय राय साहब है न खान साहब है। जी इस टाइम इंस्पेक्टर सागर सिंह आए हुए हैं। ज्यादा लापरवाही करोगे तो ये वर्दी सब सफेद नजर आए। नहीं सर लापरवाही नहीं करेंगे। अरे शुक्ला जी एक यार हमसे गलती हो गई। वो गलती हो गई। वो कौन कौन वो जो क्या मंगरुआ किसान कटरे में रहता है। अरे तो बहुत गरीब है। गरीब आदमी है। वो ट्राली में लकड़ी ले जा रहा था बेचने के लिए। अच्छा हमने सोचा कि इसमें हो सकता है 2 नंबर की लकड़ी हो। हमने उसके पर डांट लगाया और ट्रैक्टर बंद करके आया। हमारे पैरों पे गिर गया। कैम साहब 2 नंबर की लकड़ी नहीं है, हमारी लड़की की शादी है तो साहब वही बेचने के जा रहा था। हमने कहा कोई बात नहीं चाहिए। तो उसने माना नहीं। 200 रुपये निकाल के हमारे जेब में रख दिया। कितना भी वापस कर रहे मगर उसने वापस नहीं किया। ये बात कही साहब को पता चल गया। बहुत नाराज हो गए। तो बहुत नाराज हो गए। चलो कोई बात नहीं आने जो साहब को साइड से हो जाओ वो आ रहे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और सुनाइए कैलाश शर्मा का थाने का समाचार क्या है। थाने का समाचार तो सर अच्छा है। अच्छा है। अच्छा होना भी चाहिए। शुक्ला जी तुम्हारे हल्के में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सर कोई गड़बड़ी नहीं है। गुंडाई फटाई तो नहीं हो रही है। हम अपने हल्के में जाकर बोल दिया है कच्ची शराब जो चोरी करेगा 20 लाठी मार को अंदर कर देंगे। ओके राइट। लेकिन एक बात बताओ कि मैं तुम लोगों को इतना मना कर रहा हूँ कि मतलब गलत काम मत कर। फिर भी तुम लोग गलत काम करने से बाज नहीं आते हैं। गलत काम सर नहीं कोई किया है। जो फिर एक बात ये बताओ ये देश की मर्यादा पहने और तिरंगे झंडे के नीचे शपथ लेते हो कि मैं देश की हिफाजत करूंगा तो फिर रिश्वत खोजी दलाली क्यों करते हैं। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं है। मंगरू किसान को जानते हो तुम। थाने के बराबर में गाँव जी और रोजाना उसका आना जाना लगा रहता है। हर आदमी सो कहता है सर नमस्ते सर जय हिंद है जी। उसकी लड़की की परसों शादी है। वो कुछ काम के लिए लकड़ी लिए जा रहा था। किसने 200 रुपये लिए उससे। तुम हरामी हो। नहीं सर ये गलती तो हमसे हो गई है मगर उसने जास्ती रख दिया। हम सोच रहे थे इसमें 2 नंबर की लकड़ी जा रही है। देखिए ऐसी बात नहीं है।
जस्ती नहीं रख दिया है, ये सिर्फ देश की मर्यादा का डर है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, सब लोग समझते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं रस्सी का सांप बना देते हैं। सर आज तक किसी से एक पैसे अपने पैसे नहीं लिया है, मगर वो जास्ती हमारे जेब में रख दिया, वो हम उसके सिर्फ डांट लगा दिया। क्यों लगा दिया? वो डर के मारे रख दिया। बराबर दे दो नंबर का काम करते हैं, उनको नहीं कुछ कह रहे हो, और सीधा भी था इंसान। नहीं सर वापस कर, अगर कोई इंसान पागल घूम रहा है तो उसकी मदद करो, उसकी हिफाजत करो, उस पर डांट लगाओगे। चलिए साहब आज के बाद गलती नहीं, आज हमने इतना डांट दिया, भंडारा चल रहा था। बताइए बच्चे लोग कितना खुश हो जाते हैं जब भंडारा वगैरह चलता है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, चलिए वहाँ भंडारा वाला शरबत पियेंगे, पूरी खाएंगे, छोला मिलेगा। और वहाँ देखें कि जो रास्ते से लोग निकल रहे हैं वीआईपी, उनको रोकते हैं, उनको पूरी दे रहे हैं और वो छोला दे रहे हैं, और लड़के बेचारे छोटे छोटे बच्चे, कोई बच्चा बच्ची एक बच्चे को गोदी लिए है, उनको लिए जा रहे हैं, वो डंडे लेकर उनको भगा रहे, वो बेचारे खेत में भागते हुए जा रहे हैं धूप में। हमने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कहना नहीं ये बार बार आते हैं, हम तो इन्हीं का तो प्रसाद है, बदतमीजी करते हो, मैंने डाटा जितना तुम पुण्य नहीं कमा रहे उससे ज्यादा पाप कमा रहे हो। सही कह रहे हो, हमने बहुत जोर से डाटा उनको, हमने कहा गलत बात है, बच्चों के लिए सब काम होता है, अगर बच्चे किसी के नहीं होते तो हमको तुमको कौन पूछेगा, बच्चे गलती करेंगे रवि पुलिस चाहती है ना। सही कह रहे हो, देखिए आज के बाद ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, अब कभी नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को, वरना फिर समझ लो हमको बुरा कोई नहीं होगा। जरा फैलाओ शुक्ला जी, देखिए जो भी फाइल उठा करके देखता हूँ, ये कहर सिंह, चट्टान सिंह, भवानी सिंह, ये सब क्या है? अरे सर बहुत सालों ने तो तहलका मचा दिया, पुलिस चुनाव को दम कर दिया है, लेकिन सालों को इस बात की खबर नहीं है कि कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं और पुलिस वालों के डंडे में कितनी ताकत होती है। पुलिस वो चीज है, गड़े हुए मुर्दे खुदवा लेते, साले मुर्दे कव्वाली करना शुरू कर देते हैं। जिस रोज कानून के गिरफ्त में आएंगे उस रोज इनको मालूम हो जाएगा कि कानून और पुलिस क्या चीज है। सुनो मेरी बात, कुछ कहना चाहूंगा। और है नहीं कहीं उसका पता निशान, और फिर भी लगता, और फिर भी लगता है नहीं कहीं उसका पता निशान। उसका पता निशान